नमस्कार दोस्तों, और स्वागत है आप सभी लोग का इस पोकॉम्बैट पे। इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं वो पांच थिंग्स जिनको फॉलो करने के बाद इंडिया बन सकता है फुटबॉल का सुपर पावर। दोस्तों बिना ज़्यादा समय गवाए हुए स्टार्ट करते हैं टॉपिक्स को। तो पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट जो बात है वो ये है कि हमें एक स्टोरी को समझना पड़ेगा। स्टोरी ये है कि कैसे क्रिकेट इंडिया में पॉपुलर हुआ। अब मैं जैसे क्रिकेट का यहाँ पे नाम लेता हूँ तो मुझे पता है कि आप मेरे में से बहुत सारे सब्सक्राइबर्स ऐसे हैं जो क्रिकेट को बहुत ज़्यादा हेट करते हैं। कुछ ऐसे हैं जिनको यहाँ पे क्रिकेट से कोई प्यार भी नहीं है ना ही कोई नफरत है, और कुछ ऐसे हैं जो क्रिकेट को भी उतना ही प्यार करते हैं जितना फुटबॉल को प्यार करते हैं। और मैं दोस्तों अपना नहीं बता सकता क्योंकि मैं यहाँ पे आप लोग सभी को प्रेजेंट करता हूँ, तो मैं भी मिला जुला हूँ आप लोग सभी में से। तो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ क्रिकेट का स्टोरी। क्रिकेट इंडिया में पहले पॉपुलर नहीं था। क्रिकेट इंडिया में पॉपुलर तब हुआ जब इंडिया ने 1983 क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भारत को यहाँ पे फीफा वर्ल्ड कप जीतना चाहिए। मैं जानता हूँ वो बहुत टफ है, और वो तभी होगा जब इंडिया पहले ही एक सुपर पावर बन चुकी हो फुटबॉल में, क्योंकि फीफा वर्ल्ड कप जीतना उतना आसान नहीं है जितना क्रिकेट वर्ल्ड कप जीतना है। ये एक रियलिस्टिक बात मैं आपको बता रहा हूँ। कम से कम भारत को ये करना पड़ेगा कि वो एक बार फीफा वर्ल्ड कप में क्वालिफाई करे। अगर वो फीफा वर्ल्ड कप में क्वालिफाई करेगी और जिस तरह से पॉपुलैरिटी अभी के सिनेरियो में फुटबॉल के लिए बढ़ते जा रही है, वो एक रैपिड इंक्रीज में रिजल्ट करेगा फुटबॉल के पॉपुलैरिटी में। और साथ में अगर इंडिया पे टॉप 50 फीफा रैंकिंग में आ जाती है, जो कि मेरे हिसाब से पॉसिबल है आने वाले 3 से 4 सालों में, अगर भारतीय फुटबॉल टीम एक कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दिखाती है और जिस तरह के प्लेयर्स प्रोड्यूस कर रहा है ISL, और आने वाले दिनों में मैं आपको गारंटी देता हूं कि इससे भी अच्छे अच्छे प्लेयर्स निकल के आएंगे इंडिया से, क्योंकि हमारी जो जूनियर टीम्स हैं जो अभी अंडर 10, अंडर 15, अंडर 16, अंडर 17 जो टीमें हैं वो काफ़ी टैलेंटेड हैं, और अगर उनको अच्छे तरीके से नर्चर किया गया तो वो आने वाले दिनों में बहुत ही अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। तो ये लाजमी सी बात है कि हमारे पास 131 करोड़ आबादी है दोस्तों, तो हम ऐसा कर सकते हैं कि हम 11 खिलाड़ी प्रोड्यूस कर सकते हैं ऐसे जो कि किसी भी लेवल पे जाके बहुत ही अच्छा फुटबॉल खेले। तो ये थी दोस्तों पहली बात कि हमें एक फुटबॉल में एक ऐसा अचीवमेंट चाहिए जो यहाँ पे रैपिड इंक्रीज इन पॉपुलैरिटी फुटबॉल में रिजल्ट करे। और दूसरी बात दोस्तों जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, दूसरी बात यह है कि हमें यहाँ पे टैलेंट्स को ढूंढना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हमारे देश में टैलेंट नहीं है, बहुत ही ज़्यादा टैलेंट है, लेकिन हमारी गलती ये है कि हम देखने लगते हैं बाहर जो हमारे प्लेयर खेल रहे हैं, जैसे कि नरसिंह सिंह, रॉय कृष्णा, यहाँ पे आप बहुत सारे लोग समरप्रीत सिंह के बारे में बात करते हैं, मेरे कमेंट बॉक्स में मैं रिप्लाई नहीं करता उन चीज़ों को, और उसके बाद फिर यान धांधा। दोस्तों अगर आप उन 4 से 5 प्लेयर को देख रहे हैं तो वो आपको समझना पड़ेगा कि वो 4 से 5 प्लेयर ऐसे क्यों बने। वो ऐसे इसलिए बने क्योंकि उन्हें यहाँ पे फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की गई, उनको यहाँ पे पिकअप किया गया उनके टैलेंट को देख के, और उनको नर्चर किया गया। तो अगर यहाँ पे 5 खिलाड़ी ऐसे भारत से बाहर जाके निकल सकते हैं, तो भारत में ये बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ हैं कि हमारे पास 10 क्या 20 क्या 30 क्या 50 से 60 खिलाड़ी ऐसे निकल सकते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा हाई कैपेसिटी के साथ आएँ और बहुत ही अच्छा परफॉर्म करें वर्ल्ड फुटबॉल में। तो यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा AIFF को और साथ में ही गवर्नमेंट को कि वो जो यंग टैलेंट है उसको नर्चर करें और उनको एक स्टेज प्रोवाइड करें लगातार, एक बार नहीं लगातार, कि वो अपने टैलेंट को प्रूव कर सकें और उनको एक हाई कोचिंग स्टाफ मिले, हाई लेवल का कोचिंग फैसिलिटीज़ मिले जहाँ से वो अपने आप को नर्चर कर सकें। और अब हम बात करेंगे तीसरे इम्पॉर्टेंट थिंग के बारे में। दोस्तों जो तीसरा इम्पॉर्टेंट थिंग है वो ये है कि हमें यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना पड़ेगा इंडिया में फुटबॉल के लिए एक वर्ल्ड क्लास लेवल का। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आप जितने भी मैचेस देखते हैं इंडिया में, जितने भी मैचेस होते हैं अभी इंडिया में, एक इक्का अरीना को छोड़ दें तो कोई भी वर्ल्ड क्लास का फुटबॉल स्टेडियम इंडिया में नहीं है। चाहे वो आप सॉल्ट लेक स्टेडियम की बात करें या कांतिवीरा स्टेडियम की बात करें बेंगलोर में, ऐसा कोई स्टेडियम नहीं है जो कि वर्ल्ड क्लास फुटबॉल फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड कराता हो। भले यहाँ पे कैपेसिटीज़ ज़्यादा हैं सॉल्ट लेक स्टेडियम की, चाहे हम गुवाहाटी में जो स्टेडियम है इंदिरा गांधी स्टेडियम उसके बारे में बात करें तो कैपेसिटीज़ ज़्यादा हैं, लेकिन वो एक वर्ल्ड क्लास फुटबॉल लेवल का स्टेडियम नहीं है दोस्तों। तो हमें यहाँ पे बिल्ड करने पड़ेंगे कुछ ऐसे स्टेडियम जिनके पास यहाँ पे कैपेसिटीज़ भी बहुत ज़्यादा हो,
इक्का एरिना को बनाया गया है दोस्तों काफ़ी अच्छे तरीके से फुटबॉल के लिए स्पेशली। बट दोस्तों वहाँ का जो कैपेसिटी है वो मात्र 25,000 है, तो दोस्तों वो एक अच्छी बात नहीं है। वहाँ पे कैपेसिटी भी इंक्रीज़ होनी चाहिए थी और फ्यूचर में हमें ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने पड़ेंगे, जैसे कि एग्जांपल मैं आपको बता दूँ सरदार पटेल स्टेडियम बना क्रिकेट के लिए, स्पेशली क्रिकेट के लिए, वहाँ पे अभी फुटबॉल मैचेस खेले जा सकते हैं, लेकिन स्पेशली जैसे कि क्रिकेट के लिए सरदार पटेल स्टेडियम बना, वैसे ही इंडिया में फुटबॉल के लिए भी वैसे स्टेडियम्स बनने चाहिए, ट्रेनिंग सेंटर्स बनने चाहिए जो काफ़ी हाई लेवल पे यहाँ पे फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराएं प्लेयर को ट्रेन करने के लिए और मैचेस खेलने के लिए, और स्पेक्टेटर्स को एक ऐसा एक्सपीरियंस दे कि वो बार बार मैचेस देखने के लिए आए। दोस्तों अब हम बात करने जा रहे हैं चौथे इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में। चौथा जो पॉइंट है हमारा वो है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इंडिया में फुटबॉल के लिए, और वो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जब तक इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा तो बाकी की चीज़ें जो हैं दोस्तों वो नहीं आएंगी। इन्वेस्टमेंट के साथ ही बाकी की चीज़ें भी आ सकती हैं फुटबॉल में। तो दोस्तों लेकिन ये आपको बात समझना पड़ेगा कि इन्वेस्टमेंट तभी आएगा जब पॉपुलैरिटी होगी फुटबॉल के प्रति। फुटबॉल के प्रति पॉपुलैरिटी होगी तब यहाँ पे बाहर के जो इन्वेस्टर्स होंगे, चाहे वो फॉरेन इन्वेस्टर्स हो, इंडियन इन्वेस्टर्स हो, तभी इन्वेस्ट करेंगे जब वो देखेंगे कि उनका कोई फ़ायदा हो रहा है। कोई भी बिना फ़ायदा के कोई भी काम नहीं करता, और बिजनेसमैन तो बिल्कुल भी नहीं करते कि वो इन्वेस्ट कर देंगे फालतू के जगह पे कि उनको कोई फ़ायदा ना हो। वो तभी इन्वेस्ट करेंगे जब उनका फ़ायदा होगा। तो आप ये बात समझ लीजिए कि जब तक पॉपुलैरिटी नहीं बढ़ेगी फुटबॉल की तब तक यहाँ पे इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट नहीं करेंगे, और धीरे धीरे जैसे कि आप देख रहे हैं कि बढ़ रही है पॉपुलैरिटी तो यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं। मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल आपको बताता हूँ। अगर आप आई लीग और ISL दोनों देखते हैं तो आप देखेंगे ISL आजकल WhatsApp पे आ चुका है। WhatsApp पे जब आप इमोजी खोलेंगे तो इमोजी में यहाँ पे WhatsApp ISL के प्लेयर्स के यहाँ पे GIF आते हैं, तो वहाँ से आप भेज सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि धीरे धीरे इतना पॉपुलर हो रहा है फुटबॉल इंडिया में कि अब यहाँ पे WhatsApp पे हमारा आ चुका है। और साथ में ही आई लीग की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पे ज़्यादा आपको स्पॉन्सर्स भी नहीं दिखेंगे, ज़्यादा एड्स भी नहीं दिखेंगे, ज़्यादा होर्डिंग्स भी नहीं दिखेंगे कि यहाँ पे ऐड डिस्प्ले हो रहे हैं। लेकिन वही अगर हम ISL के बारे में बात करें तो ISL में ज़्यादा यहाँ पे एड्स शो किए जाते हैं, ज़्यादा स्पॉन्सरशिप्स मिलती है क्योंकि पॉपुलैरिटी ISL की इंडिया में ज़्यादा है। उसके ज़्यादा यहाँ पे चैनल्स ब्रॉडकास्ट करते हैं, ज़्यादा लोग देखते हैं, इसलिए उसको यहाँ पे स्पॉन्सरशिप्स और इन्वेस्टमेंट्स मिलते हैं ISL को। और दोस्तों तभी ग्रो करता है कोई भी स्पोर्ट्स। मैं आपको एग्जांपल एक और बताता हूँ। जैसे कबड्डी था हमारे कंट्री में, उतना पॉपुलर नहीं था, खेला जाता था, पर यहाँ पे PKL जब से आया तब बहुत ज़्यादा यहाँ पे पॉपुलर हो गया कबड्डी, और साथ में काफ़ी इन्वेस्टमेंट्स हुए। वहीं पे एक फेलियर भी हुआ जब हम कह सकते हैं जो हमारा रेसलिंग लीग आया, प्रो रेसलिंग लीग, वो यहाँ पे इतना सफल नहीं हुआ। तो अगर आप उसके बैकग्राउंड को देखेंगे दोस्तों तो ज़्यादा यहाँ पे एड्स नहीं दिखाए जाते, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स उस क्षेत्र में नहीं होता क्योंकि ज़्यादा पॉपुलर नहीं है। दो तीन पार्ट को अगर छोड़ दें, हरियाणा, पंजाब और दिल्ली का कुछ पार्ट अगर छोड़ दें तो ज़्यादा पॉपुलर नहीं है रेसलिंग इंडिया में, इसलिए ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स या ज़्यादा एड्स नहीं दिखाए जाते उस पर। तो यही बात दोस्तों यहाँ पे फुटबॉल पे भी लागू होता है कि अगर पॉपुलैरिटी बढ़ेगी तो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स भी होंगे। दोस्तों पांचवा और सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो ये है कि हमें यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा अपना माइंडसेट। दोस्तों जब मैं अपने दोस्तों से बात करता हूँ या कुछ और लोगों से बात करता हूँ तो मुझे एक बात पता चलती है, उन लोगों के दिमाग में ये चीज़ बैठ गई है। आप लोग में से बहुत लोगों के दिमाग में भी ये चीज़ होगी कि हम जो इंडियंस हैं वो फुटबॉल खेलने के लिए नहीं बने हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि हम फिजिकैलिटी हमारी वैसी नहीं है, फिजिकली हम वैसे नहीं बने हैं कि हम फुटबॉल खेल सकें। दोस्तों ये जो बात है वो बिल्कुल भी लॉजिकल नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो हम फुटबॉल लेके दौड़ ही नहीं पाते, हम फुटबॉल को किक ही नहीं कर पाते। अगर हम फुटबॉल को किक कर सकते हैं, फुटबॉल के लेके दौड़ सकते हैं, तो हम अपने आप अपने स्किल्स को सुधार के, अपने टैक्टिक्स को सुधार के, अपने टीम वर्क को सुधार के एक अच्छी टीम भी बना सकते हैं। और हमारे पास इतनी कैपेसिटी है कि हम 90 मिनट खेल सकें, वो बहुत सारे प्लेयर शो करते हैं। आप में से भी जो लोग अभी देख रहे होंगे वो भी 90 मिनट खेल सकते हैं। मैं यहाँ चैलेंज करता हूँ कि मैं 90 मिनट फुटबॉल खेल सकता हूँ अपने हिसाब से। तो दोस्तों अगर ऐसा है तो हमारी मेंटालिटी कि हम फुटबॉल नहीं खेल सकते वो बिल्कुल गलत है। और अगर आप में से किसी के भी मन में ये बात है तो वो निकाल दीजिए। ऐसा कुछ नहीं है कि यूरोपियन जो बंदे होते हैं उनकी फिजिकलिटी ज़्यादा अच्छी होती है इसलिए वो फुटबॉल खेल सकते हैं और अब हम फुटबॉल नहीं खेल सकते। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ ज़रूर। और लिंक मैंने दिए हैं कुछ चीज़ों की, अगर आपको फुटबॉल से रिलेटेड कुछ चीज़ें खरीदनी है, मेरे फेवरेट्स जो कि मैंने दिए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वो आप जाके खरीद सकते हैं अगर आपको अच्छा लगे तो। तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं। अगर आपको अच्छी लगी वीडियो
तो फिर से बोलूँगा कि लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करते जाइएगा स्पोक कॉम्बैट को, क्योंकि स्पोक कॉम्बैट को आप जैसे ही सब्सक्राइब करते हैं तो आप एक कदम बढ़ाते हैं इंडियन फुटबॉल को सपोर्ट करने की तरफ। तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं।